जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर एक पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कुछ को छोड़कर धुरी में अकाली दल, बादल और बसपा के धुरी से सांझे उम्मीदवार बाबू प्रकाश चंद गर्ग, जो कि पहले संगरूर से विधायक रह चुके हैं, धुरी भेजा है। और आज अपने चुनाव प्रचार रस्मी आगाज करते हुए उन्होंने धुरी में अपने ऑफिस का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन इकबाल सिंह चुंढा जो के अकाली दल के जिला प्रधान ने अपने कर कमलों से किया। बाबू प्रकाश चंद जी को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया। इसके बाद बाबू प्रकाश चंद गर्ग जी ने लोगों को संबोधित करते हुए अपने पार्टी के कामों को गिनाया जो उन्होंने किए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के बारे में कहते हुए कहा कि उनसे बहुत ही शपथ लेकर कोई काम नहीं किया है। आपका विधायक बाबू गर्ग नु धुर दो टिकट देके नवाजिया, तुसी पहुंचे हो, की कहना चाहुंदे हो, किस तरह देखदे हो ने चुनौती? देखो, श्रोमणी अकाली दल वालों बाबू प्रकाश चंद गर्ग जी नु धुरी हलके तो उम्मीदवार बनाया गया। इन्हां दीआं पार्टी विच जो सेवावां रहीआं ने वह बहुत ही सराहना योग भी ने और वफादारी भी पार्टी जो उन्होंने निभाई है, मैं समझता वो भी कोई मिसाल नहीं। पार्टी के बहुत चंगे माड़े दौर आए, जब ऐसे समय भी आए अकाली दल के कि अकाली दल की कोई बांह फड़न वाला भी तैयार नहीं, उस समय भी बाबू जी अकाली दल च रहे। अतवाद का दौर आया उदों भी रहे, टिकटा मंगते रहे, कई बार नहीं मिलिया उदों भी रहे, जो मिलिया उदों भी पार्टी की मदद। सो मेरा कहने तो भाव है कि पार्टी के परखे हुए वफादार सिपाही के तौर पर उन्होंने काम किया और बादल परिवार की बहुत नेड़ता बाबू जी नाल। सो उन्होंने इस हल्के तो पार्टी ने उम्मीदवार बनाया सारे आगू वर्करां की सहमति नाल, और अज समुचा श्रोमणी अकाली दल का कैडर है जिहड़ा पार्टी का वो सारा उन्होंने सहयोग कर रहा है। सो मैं धन्यवाद करदा सरदार हरी सिंह उन्हां दा भी, उन्हां दी समुची टीम का, कि उन्होंने कल मीटिंग करवा के अज उन्होंने कोई प्रॉब्लम सी, नाभे शहर च रैली हो रही है, उत्थे बादल साहब ने आना सी, उन्हां दा आपदा शहर है। सो कल शाम नूं आके मीटिंग करवा के सारे आगू वर्करां नूं नाल तोर के गए ने, जो सारे अज साडे नाल ने। भलवान साहब जो SGPC मैंबर ने वो साडे अगवाई कर रहे हैं, तो BSP के प्रधान अमरीक सिंह जी बैठे ने। सो असी कहण तो भाव आ कि समुची पार्टी की टीम है जिहड़ी एक मुठ होकर बाबू जी के पिछे खड़ी है, और ये सीट है जिहड़ी जिस तरह के हालात ने इत्थे तुहानू पता ही है, उन्हां सारियां तो चीज़ों तो लोग अके हुए ने, और सानू ये बड़ा समर्थन मिलेगा। अकाली बसपा सीट जित के असी ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੂਰੀ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ 'ਚ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਟ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੜਵਾ ਸੀਟ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧੂਰੀ 'ਚ? सब तो पहला मैं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब का और समुची हाई कमान धन्यवाद करदा जिन्होंने मैं हलका धूरी तो उम्मीदवार घोषित किया और मेरे दे विच विश्वास प्रकट किया, और मैं उम्मीद करदा कि तुहाडे सारयां दे सहयोग नाल, धूरी हल्के दे वोटरां दे सहयोग नाल, समुची जथेबंदी के सहयोग नाल, श्रोमणी अकाली दल के भाईवाल, बहुजन समाज पार्टी के सारे वर्करां के आगुओं के सहयोग नाल धूरी विधानसभा हल्के तो मौका मिलेगा नुमाइंदगी करन दा, और मैं पार्टी के उस भरोसे से पूरा उतर। की एजेंडे होणगे 2022 दे विच मुख चोणां दे? पहला एजेंडा श्रोमणी अकाली दल का है सदभावना, भाईचारे, एकता, ये सब तो पहला एजेंडा साडा अमन ते शांति। दूसरा एजेंडा जिहड़ा पंजाब दा है वह विकास, हर खेत्र दे विच विकास करवाउणा, ये श्रोमणी अकाली दल दा इतिहास रहा है। जदों श्रोमणी अकाली दल दीआं सरकारां रहीआं ने उस समय पंजाब दे विच बहुपक्खी चौपक्खी विकास होया। जे अज पंजाब दे विच रोड कनैक्टिविटी है, ब्रिज बने ने, यूनिवर्सिटियां बनिया ने, एयरपोर्ट बने ने, या मैं समझदा कि इंडस्ट्री पंजाब दे विच आई है, तो वह श्रोमणी अकाली दल के समय आई है। अज भी पंजाब दे लोग उस दी विकास का जिक्र करते हैं। और दूसरा है कि पंजाब दे भविख दे